नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप लॉन्ग टर्म प्लेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गिरावट में मिलता है। दोस्तों अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है फिर रैली करता है। जब तक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है, जब बड़ा करेक्शन आएगा तो आपको शेयर काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिलेंगे। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो सस्ते प्राइस पर ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और जब शेयर काफ़ी महंगे हो जाते हैं तब प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उनका व्यू जो होता है कम से कम 1 ईयर्स का हो, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स हो, तो जितना लंबा आप शेयर को होल्ड करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको देगा इन्वेस्टमेंट में। तो इस शेयर के बारे में हमने पहले भी बताया था और इस शेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब तक आप डिटेल में एनालिसिस करने के लिए शेयर के बारे में नहीं सीख जाते हैं कि कंपनी जो है फंडामेंटली क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, तो कंपनी का बिजनेस जो है ग्रोइंग बिजनेस होना चाहिए, या हमारी लाइफ में जो डेली हम यूज करते हैं उसमें ग्रोइंग कंपनी होना चाहिए। जो प्रोडक्ट जैसे FMCG की कंपनियां हो गया, कंज्यूमर सेक्टर कंपनियां हो गया, फार्मा सेक्टर की कंपनियां हो गया, ये सारी कंपनियां जो ये हमेशा अपना प्रोडक्ट सेल करती रहेगी चाहे कोई भी पैंडमिक आए। लेकिन कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, साथ ही साथ कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जिस पे आपको ट्रस्ट होगी ये कंपनी को अच्छे से हैंडल करेगा। तो ये कैसे देखेंगे, कंपनी के एक्सपीरियंस देखेंगे, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस कितना है, तो कम से कम जो है मीडियम एक्सपीरियंस 10 to 20 ईयर्स होना चाहिए, तो आप ज़्यादा रिलायबल रहेंगे उस कंपनी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा अनुभव है तो और अच्छा है। लेकिन कंपनी ग्रोइंग होना चाहिए, मतलब कंपनी छोटी जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और कंपनी स्मॉल कैप कंपनी अगर ग्रोइंग है तो अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो इन सारे बेसिस पे आपको स्टॉक को एनालिसिस करना होता है। तो चलिए जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी किस तरह से ग्रो की। तो दोस्तों ये है कंपनी TTK प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का आपने कुकर तो लिया ही होगा, जब खाना बनाते हैं हम लोग तो किचन के सारे एप्लीकेशन में सबसे पहले ये कुकर लेकर आई थी कंपनी, मतलब इधर हम मॉडर्न में बात करें, मॉडर्न जो एप्लीकेशन है उसमें कुकर लेकर आई थी, और कई सारे प्रोडक्ट है इस कंपनी के, अब तो सारे प्रोडक्ट में जाने होंगे, लेकिन मैं मुख्य रूप से पहले जो है प्रेशर कुकर ही था इस कंपनी का, और काफ़ी अच्छा कुकर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट को लीड करता है ये कंपनी। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो एक कई स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनी है, और यहाँ पर करेंट प्राइस इसका देख लीजिए 7,300 रुपीज़ का है। तो जो अच्छे स्टॉक्स है उसके प्राइस ज़्यादातर आपको महंगे ही देखने मिलेंगे, तो इसलिए कहते हैं जब करेक्शन आए बाजार में तभी आपको बाय करनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए। स्टॉक का P/58 है जबकि इंडस्ट्री का P/69 है, तो अभी भी ये इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ते P/E स्टॉक मिल रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 20% है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, मतलब अगर फेस वैल्यू को स्प्लिट करता है तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके कंपाउंड होंगे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टिंग में जब लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं, उससे अच्छा खासा डिविडेंड प्राप्त होता है इन्वेस्टर को। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 70% का देख सकते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और आगे आपको दिखाएंगे प्रमोटर्स का होल्डिंग कंपनी में कॉन्स्टेंट रूप से बना हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 174 करोड़ का है, एनुअल प्रॉफिट है ये, एक साल का प्रॉफिट। कंपनी के ऊपर डेट जो है मात्र 14 करोड़ का है, तो एक तरह से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 667 करोड़ का है, और कंपनी का जो रिजर्व है वो 1325 करोड़ का है, तो कंपनी के पास रिजर्व भी ऐसा है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो सारी चीज़ें कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देख लीजिए, सेल्स जो है 2009 में मात्र 377 करोड़ का था, तो जैसे जैसे कंपनी मतलब आगे ग्रो की वैसे वैसे कंपनी का सेल्स भी ग्रो हुआ, और लगातार सेल्स ग्रो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट भी जंप किया है। पहले देख लीजिए 22 करोड़ था, 52 करोड़, 84 करोड़, इस तरह से बढ़ते चला गया, और अभी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के आसपास है, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी जंप किया है, कंपनी का सेल्स भी जंप हुआ है। उसके बाद अगला है बैलेंस शीट, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 11 करोड़ का है, और ये बढ़ करके हो गया 14 करोड़ का शेयर कैपिटल कंपनी के पास, और कंपनी का जो टोटल रिजर्व है वो यहाँ पर देख लीजिए 73 था, जो कि लगातार इंक्रीज होता गया, और कंपनी का अभी जो टोटल रिजर्व है वो हो चुका है 1325 करोड़ का, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कंपनी का लगातार रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, यही रिजर्व को जब कंपनी यूज करती है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो अपने शेयर होल्डर को बोनस इश्यू करती है,
ये इसी कारण से बोनस मिलता है कंपनी के इन्वेस्टर को जो भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो शेयर उनका काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मतलब शेयर भी कंपाउंडिंग होता है और प्राइस भी कंपाउंडिंग होता है ग्रो होने से। प्रमोटर्स का होल्डिंग दे लीजिए, लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है कंपनी में पिछले लगभग 10 सालों से। और पब्लिक का होल्डिंग इसमें है 8.39% का, DIH का होल्डिंग 11.72% का, और जबकि FIH का होल्डिंग 9.48% का। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स को भी जानेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे कंपनी कैसा दिखता है, और मतलब कंपनी जो है टेक्निकल चार्ट पे भी स्ट्रांग होनी चाहिए तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करनी है। साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस को भी जानेंगे। तो आप सबसे पहले बिजनेस जान लेते हैं, फिर कंपनी के लेवल्स, टारगेट और जो टेक्निकल चार्ट है उसके एनालिसिस पर चलेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कंपनी के वेबसाइट tkprestige.com। किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो, कंपनी का वेबसाइट सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। आप कंपनी के बारे में वहां जा करके कंपनी के बारे में जान सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप कंपनी के वेबसाइट पाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का एक देख सकते हैं कॉलम है, आपको प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। तो प्रोडक्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा, कंपनी जो मतलब काम करती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रेस्टीज है वो किचन एप्लीकेशन की इंडिया की लीडिंग कंपनी है, किचन एप्लीकेशन बनाने वाली जो कि कुकिंग फूड में यूज होता है। और 1949 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय से ये कंपनी काम कर रही है किचन एप्लीकेशन के सेक्टर में। और यहाँ पर देख लीजिए 1949 से ही ये कंपनी क्या बना रही है, प्रेशर कुकर बना रही है। 1994 से ये नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने लगे, 2001 में गैस स्टोव बनाने लगी कंपनी, 2015 से क्लिप ऑन प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर का क्लिप बनाने लगी, फिर 2016 में क्लीन होम सॉल्यूशन, और फिर इसी में प्रेशर कुकर में अलग अलग मॉडिफिकेशन लाया। तो मुख्य रूप से कंपनी का गैस स्टोव और प्रेशर कुकर, ये दो बिजनेस है कंपनी का जो कि काफ़ी सॉलिड बिजनेस है क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट को लीड करता है। यहाँ पर आपने देखा कि मैनेजमेंट का जो अनुभव है इस कंपनी के मैनेजमेंट का वो काफ़ी लॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी लॉन्ग है। साथ साथ कंपनी जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखती है, प्रोडक्ट भी लीड करती है मार्केट को। तो इसमें एक जो है कॉन्स्टेंट ग्रोथ आपको देखने मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा प्रेशर कुकर का हो गया, किचन एप्लीकेशन का यूज वो बढ़ते जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं उसके साथ साथ भी इसका यूज बढ़ते जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में। तो इस सारे प्रोडक्ट के डिमांड आगे भी रहने वाले हैं। जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर कोई भी कंपनी दूसरी इसके प्रोडक्ट को मार्केट में बीट करती है तो निश्चित है कंपनी का सेल्स डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा कि आपको शेयर प्राइस में जो मोमेंटम अभी दिख रहा है वो आगे नहीं दिखेगा। तो जब तक कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट को लीड करती है, कोई दूसरी कंपनी से मार्केट में बीट नहीं करती है, तब तक आपको कंपनी में ग्रोथ देखने मिलेगा, कंपनी के शेयर में भी ग्रोथ देखने मिलेगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस पे। तो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो काफ़ी सॉलिड है, सिर्फ पैंडमिक को छोड़ दीजिए। तो कभी भी आप वीकली चार्ट लगा लीजिए, इस स्टॉक में कभी भी आपको बड़ा गिरावट देखने नहीं मिलेगा। पिछले कई सालों से, लगभग 15 सालों से कोई गिरावट नहीं देखने मिला था, मतलब अपने जो पिछला जैसे ये लो बनाया वीकली चार्ट पर, कभी भी अपने पिछले लो को इस कंपनी ने ब्रेक नहीं किया है, मतलब जो कंपनी का शेयर का प्राइस है। तो डेली चार्ट पे यहाँ पर देखते हैं अपने ऑल टाइम हाई के लगभग करीब चल रहा है, मतलब यहाँ पर आप वीकली चार्ट लगा लीजिए तो ऑल टाइम का जो हाई है वो भी आपको आ जाएगा। तो ऑल टाइम हाई देख लीजिए, ये है कंपनी का शेयर का प्राइस का, उसके लगभग आसपास चल रहा है। पैंडमिक से पहले ये अपने ऑल टाइम हाई पे था जहाँ से करेक्शन देखने मिला था पैंडमिक के कारण, और उससे पहले भी ये करेक्ट हुआ था। वीकली चार्ट पर देख लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी सॉलिड है, कभी भी आपको लो अपना ब्रेक करता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ ये एक साल से पिछले थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन वो कंपनी जो है ओवरऑल शेयर प्राइस काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देख लीजिए टेक्निकल चार्ट पे हमेशा ये जो 200 डे का EMA है वीकली चार्ट पर उसको सपोर्ट लिया है। 200 डे के EMA को कभी भी ये देख सकते हैं पैंडमिक से पहले ब्रेक नहीं किया था। यहाँ से चला कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 200 रुपये से, 200 नहीं देख सकते हैं यहाँ पर 46 रुपीज से, मतलब 50 रुपीज से ले लीजिए, 50 रुपीज 2009 से ये कंपनी का शेयर प्राइस चला। तो 50 रुपीज से कंपनी का जो शेयर प्राइस में मोमेंटम आया वो कभी भी वीकली चार्ट पर 200 डे के EMA को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ इस पैंडमिक में ही देख सकते हैं ब्रेक हुआ। यहाँ पे भी गिरावट आया लेकिन 200 डे के EMA पे सपोर्ट लिया, देख सकते हैं ये यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला। तो कभी भी 200 डे के EMA को ब्रेक नहीं किया था, सिर्फ इस पैंडमिक में जो गिरावट आया देख सकते हैं अप्रैल मार्च में, उसी में ये अपने वीकली चार्ट पर 200 डे के EMA को ब्रेक किया था।
फिर से एक कंपनी यहाँ पर उसी तरह के जबरदस्त मोमेंटम दिखा रही है, तो आपको वेट करना है कहीं पर कंसोलिडेट होता है, फिर 200 डे के ईएमआई के पास आता है तो वहीं पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, 200 डे के ईएमआई पे जब आए आपको इन्वेस्ट करना है, और कभी भी एग्जिट करना है तो जब भी अपना हाई बना रहा हो उस समय आप एग्जिट हो जाइए, और जब भी इन्वेस्ट करना है वीकली चार्ट पर जब भी 200 डे के ईएमआई को सपोर्ट ले उस समय बाय कर लीजिए। तो सिंपल इन्वेस्टर का रूल है, पहले भी हमने बताया है, मूविंग एवरेज में जो 50 है, 100 डे है, 200 डे है, 50, 100 और 200 तीनों ईएमए के जब नीचे आ जाता है तो यहाँ पर तो ये 200 डे के ईएमए को सपोर्ट ले रहा है, तो 200 डे के ईएमए पर जैसे आएगा बाय कर लेना है, और जब अपना हाई बना हो सेल कर देना है। तो सिंपल सा लॉजिक है इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टमेंट में कुछ खास इन्वेस्टमेंट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, अच्छी कंपनी चुनना है, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी फंडामेंटल्स अच्छा हो, टेक्निकल चार्ट पे भी कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।